आपको बताती हूँ कि ग्रो किस तरह से करते हैं। बस खाली आपको इस तरह से डाल देना है, इस तरह से इसमें करेंगे तो ये गाइज। अब हम आगे का बताते हैं। ये देखिए गाइज, ये दो महीने 10 दिन के प्लांट है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं NTSR इकोनॉमिक गार्डनिंग। सो आज का टॉपिक है, आज मैं बात करूंगी शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को कैसे, किस तरह से उगाते हैं, कैसे बीज से कैसे उगाएं। ओके गाइज, तो इंग्लिश में इसको कैप्सिकम भी बोलते हैं और वैसे तो शिमला मिर्च अपन बोलते ही हैं। शिमला मिर्च को बीज से कैसे उगाते हैं, कैप्सिकम सीड से ग्रो कैसे करें, यही आज का टॉपिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये हमने, आप मतलब ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप इसी बॉटल को कट करके भी डाल सकते हैं सीड को। तो सीड कौन से लेने हैं सारा कुछ मैं शेयर करूँगी, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और सीड कैसे लेना है, हरी शिमला मिर्ची की लेना है या लाल वाली लेना है या सुखा के लेना है, ये सारा मैं शेयर करूँगी आपसे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल सकेगी। ओके गाइज, तो ये मैंने मिट्टी ली है जो जिसमें मैंने डाला है, सिर्फ आधी, एक पार्ट मिट्टी है तो एक पार्ट सैंड है, और उसमें मतलब उससे आधी सैंड से आधी मैंने काउडंग डाला है इसमें। तो आप चाहें तो कोई सी भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, आप ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो गोट मैन्यूर डाल सकते हैं, यानी कि बकरी की मैंगनी को सड़ा हुआ वो डाल सकते हैं, और नहीं तो पत्ती की खाद डाल सकते हैं, और नहीं तो किचन वेस्ट डाल सकते हैं। मैंने काउडंग डाला है इसमें, इसलिए काउडंग डाला है कि आपको इजी हो सके, क्योंकि काउडंग हर किसी के पास मिल जाता है, हर कहीं मिल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इस शिमला मिर्ची जो है इसमें ये नर मादा होता है, तो इसके ये क्या है, देखिए देख रहे हैं आप, ये तीन लाइनें हैं, ये देख, तीन गड्ढे हैं, यानी तीन ये हैं। तो ये है, ये नर है इसमें, और नर मादा होता है ये। और ये देख रहे हैं, ये भी नर है, और ये देखिए ये है मादा। क्योंकि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें देखिए ये चार हैं, एक दो तीन चार पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इट्स फोर पॉइंट है, चार पॉइंट, यानी कि चार ऐसा ऐसी 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 चार लाइन से बनी है लकीर ऐसी। तो ये है मादा, तो नर मादा होते हैं इसमें। आप अगर इसके सीड डालेंगे तो आपका प्लांट तो आएगा, लेकिन मतलब शिमला मिर्ची नहीं आएगी। इसी तरह से ये देख रहे हैं आप, देखिए। और आपको किस तरह की, ये तो बेसिक जानकारी है, जो कि ये देखिए ये लाल हो गई है मेरे पास, तो ये लाल वाली भी ये मादा है, यानी फीमेल है, ये फीमेल है, देख रहे हैं आप, चार हैं, तो ये फीमेल है। अब इसकी ये लाल ज़रूर हो गई, लेकिन ये इसको अगर हम देखिए इसको हम कट करके इसके सीड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गीले सीड काम के नहीं होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, बताते हैं गीले सीड, लेकिन गीले सीड काम नहीं करते हैं। हमने डाल के देख लिए हैं, प्लांट ही नहीं आते हैं बहुत बार तो, और आ भी जाते हैं तो आगे तक नहीं चलते हैं, तो ये सीड तो बेकार हैं। तो इसी सीड को हम क्या करेंगे, थोड़ा रखे रहने देंगे, घर में ही रखे रहने देते हैं, और एकदम सूख जाती है ये, फिर थोड़ी देर एक बार क्या करते हैं, पूरा सीड, पूरे ये बीज को निकाल के थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, लाइट धूप में, ये सूख जाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये सीड काम के हैं, ये सूखे हुए, देख रहे हैं आप,
तो हम ये सीड उगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये डिब्बे में लाल डिब्बा है और लाली सीड है, वो लाल और पीले से तो वो सही नहीं दिखेंगे आपको। ठहरिए मैं हथेली में डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी सुखा के रखे हुए हैं। ये मेरी जो घर में शिमला मिर्ची आती है, इसमें से कोई भी आपको बाज़ार की सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी फुल अपडेट के साथ बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको कोई सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही जो शिमला मिर्ची घर में आती है, वही आप इस मैंने जो लाल वाली बताई है, इसी तरह से आप ये उगा कर, मतलब सुखा कर और रख लीजिए डिब्बे में पैक करके, जैसे कि मैंने इस डिब्बे में पैक करके रख लिए। ये देखिए, जैसे मैंने ये रखे हैं, इसी तरह से आप चाहें तो ग्रो बैग में भी यही मिट्टी जो मैंने बताई है, ऐसे वाले बैग आते हैं नर्सरी वाले, तो आप इसमें मिट्टी भर कर भी इसमें डाल सकते हैं, या आप ट्रे, सीडलिंग ट्रे भी आती है उसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कोई डिब्बे हैं आपके किचन में, उसको कट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा तो इकोनॉमिक गार्डनिंग है चैनल, तो मैं उसी तरह से बताती हूँ आपको। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रो किस तरह से करते हैं। बस खाली आपको इस तरह से डाल देना है और थोड़ा सा उंगली से इस ऐसे ऐसे कर दें। मैंने जो किया है मैं आपको बताती हूँ। अभी मिर्ची तक आने लगी है, मिर्चियाँ आने लगी हैं, उसमें 2.5 महीने का हो गया है, तो मैं आपको बस इस तरह से, और अब हम पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा हाथ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर दें, क्योंकि बीज छोटा होता है और हम इस तरह से इसमें करेंगे तो ये थोड़े ऊपर भी आ जाते, कोई बात नहीं है, दो और चार प्लांट भी निकल जाए तो बस है, आ भी जाते हैं तो उसको थोड़ा सा इस तरह से दबा दें, बस इस तरह से, बस लाइट दबाना है। ओके गाइज, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप भी ये कर सकते हो घर में, और कई प्लांट उगाएं तो कई प्लांट होंगे तो कई मिर्ची आए, बहुत सारी मिर्ची आएगी, तो इसी तरह से आप उगा सकते हैं घर में। देखिए गाइज, अब ये इसको 10 से 12 दिन होंगे, वैसे तो 5-6 दिन में ही प्लांट आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 10-12 दिन में ऐसे प्लांट आएंगे कि हम पहचान पाएंगे कि ये शिमला मिर्ची का प्लांट है। ओके गाइज, अब हम आगे का बताते हैं। ये देखिए गाइज, ये दो महीने 10 दिन के प्लांट है, और ये देखिए मिर्ची भी आने लगी है, देख रहे हैं आप ये, पर ये फीमेल है देखो, जो कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ये देखिए ये भी फीमेल है, और ये मिर्ची आ रही है, और ये देखिए ये कल मैंने, गाइस इसमें मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह का रहना, अगर नहीं रहेगा तो ये देखिए मिर्ची फ्लावर्स के साथ ये मिर्ची छोटी दिख रही है आपको, अंदर मिर्ची आने लगी, ये गिर जा रहे हैं, आज ही गिर गई। यहाँ देखिए तमाम फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं और मिर्ची आ रही है, ये देखिए ये देखिए दिख रहे हैं, ये देखिए पूरे इसी तरह से, इस प्लांट में भी काफ़ी फ्लावर्स आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। ये देखिए कई प्लांट हैं, ये 2 से 3 से 4 प्लांट हैं, और कुछ प्लांट तो सूख गए, कुछ ज़रूरी नहीं है गाइस जितने मैंने आपको बीज दिखाए थे, जो सीड दिखाए थे उतने पूरे आ जाएं, कुछ नहीं भी आते हैं तो ये देखिए पूरे आ रहे हैं, अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, हाँ ये बहुत सारे आ रहे हैं। अब इसमें फ्यूचर में काफ़ी, मतलब अभी 1 महीना गया, तो अभी तो 2.5 महीना हुआ है, ये 3 महीने तक, मतलब
लगती रहती है 3 से 3.5 महीने तक। इसका इसका जर्नी जो होती है वो 3 महीने से लेके 100 दिन और 110 दिन तक भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लावर्स आते रहेंगे और शिमला मिर्ची इस तरह से लगती रहेंगी। ओके गाइस, कितनी मतलब कितनी अच्छी, और भी अभी परसों लगी हुई थी तो जब मैं वीडियो बनाने क्या ही लगी हुई थी तो मेरा वीडियो बनाने मतलब मैं नहीं बना पाई उस टाइम पे। अब ये हमने कहा 2 और लगने लगी और फ्लावर्स आ रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैंने सोचा। तो गाइस सबसे मेन पॉइंट है कि सीड को किस तरह से हम लगा रहे हैं और कौन सा सीड लगा रहे हैं, कौन सा फीमेल या मेल सीड, शिमला मिर्ची का सीड मेल का अगर लगाएंगे तो शिमला मिर्ची नहीं आएगी और फीमेल का लगाएंगे तो शिमला मिर्ची आएगी। तो ये हमने ये इस बात का ध्यान रख के डाले हैं इसीलिए इसमें आ रही है। और पानी रोज़ दीजिए, ऐसा मॉइस्चर रहना मिट्टी में और मिट्टी आपकी ऐसी रहना, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा रेत मिलाना मत भूलिए गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ऐसी सॉइल रहना भुरभुरी ना के चिपचिपी सी सॉइल नहीं रहना गाइस। यही बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और इसमें गाइस इसमें इसके बीच में वो भी लग गया था कीड़ा जो मैंने क्या बोलते उसका फंजीसाइड डाला, पेस्टिसाइड, तो नीम का जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है मैं लिंक दे दूंगी तो आप वो डाल सकते बीच में। अगर ये नहीं डालेंगे इसमें बहुत जल्दी वो मिलीबग लग जाता है वाइट, जिसको हमें फंजीसाइड पेस्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और शिमला मिर्ची नहीं लगेगी इस तरह की बिल्कुल बढ़िया। आप ऑर्गेनिक तरकारी खा सकते हैं अगर इस तरह का आप करेंगे तो, ऑर्गेनिक खा सकते, कई प्लांट उगाई है जैसे कि ये भी देखिए ये अच्छा कितना हेल्दी प्लांट है और ये एक साथ 2 लगे हुए हैं, मैंने इसको अलग नहीं किया है। और ये देखिए ये तीसरा प्लांट, ये है चौथा, ये 2 एक दूसरे में मर्ज हो गए तो हमने कहा चलो अब ग्रो हो रहे हैं तो बढ़ने दीजिए। तो गाइस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, बस पानी रोज़ दीजिए। और अब तो मिर्ची आ रही है तो अब तो आप मिर्ची और फूल जब आए तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं वाटर को, वाटर रोज़ थ्रो करिए इसके ऊपर। और मिट्टी में मिट्टी मॉइस्ट रहना चाहिए और मिट्टी अच्छी रहना चाहिए भुरभुरी, और पेस्टिसाइड डालते रहिए आप हर 8 दिन में 15 दिन में या 20 दिन में इस तरह से पेस्टिसाइड डालते रहिए और आराम से ये ग्रो होगी आपके पास। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो NTSR इकोनॉमिक गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में। सो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।